उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं के सम्मान में एक उम्मीद संस्था ने रविवार को तेजस्विनी सम्मान समारोह किया। हवेली सभागार में आयोजित समारोह में अपने अपने क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाली 13 तेजस्विनियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अजय शुक्ला, केसीएमटी चेयरमैन गिरधर गोपाल खंडेलवाल, उपनिदेशक महिला कल्याण नीता अहिरवार, अमृत विचार के समूह संपादक शंभू दयाल वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। फन सिटी के एमडी अनिल अग्रवाल ने सभी अतिथियों को पौधे भेंट करके उनका स्वागत किया। सारे गामा पा कार्यक्रम में टॉप 30 तक पहुंचने वाली बरेली की अरुणिमा शर्मा ने गिटार की प्रस्तुति दी। एक उम्मीद संस्था की संस्थापक अमिता अग्रवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य महिलाओं के असाधारण कार्यों को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन उन महिलाओं के संघर्ष और सफलता की कहानी है जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। तेजस्विनी सम्मान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सम्मान के लिए बरेली से करीब 150 आवेदन आए थे। इनमें से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 13 महिलाओं व बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें गायन, साहित्य, संगीत, खेल, कला और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल रहीं। इस आयोजन में सम्मानित महिलाओं को प्रतीक चिन्ह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक सम्मानित महिला ने अपने जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों को साझा किया और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा दी। आज ये तेजस्विनी सम्मान का आयोजन किया गया है। इसमें हमने 13 महिलाओं को, बालिकाओं को, जो जो अपनी फील्ड में अग्रणी है, उनको हमने एक मंच पर लाकर सम्मानित करने का प्रयास किया। इस पुरस्कार समारोह में अमृत विचार हमारा मीडिया पार्टनर है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशन आए। 12-13 एंट्रीज उसमें अपना बहुत मुश्किल काम किया, पर अलग अलग विधाओं में अच्छी उम्र महिलाओं को दिया, जो कि खुद तो एक मुकाम हासिल कर ही चुकी है पर औरों के लिए भी एक प्रेरणा। कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने बताया, इन तेजस्विनी सम्मान प्राप्त करने वाली बेटियों और महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देकर देश विदेश में बरेली के गौरव को बढ़ाया है। साथ ही इनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए एक उम्मीद संस्था भी धन्यवाद के पात्र है। शहर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि आज बेटों से अधिक बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन ने न केवल सम्मानित महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता दी है, बल्कि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया है। एक उम्मीद जो सामाजिक संस्था है, उसके द्वारा तेजस्विनी पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए जहाँ पर प्रतिभाएं आई थी उनको पुरस्कार दिया गया है। और हमारी एक जो संस्था है और उसकी अध्यक्षा है अमिता अग्रवाल जी, पूरी टीम लगातार बरेली में और बरेली की महिलाओं के लिए, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए लगातार जो काम कर रही है, मैंने वास्तव में देखा है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है ये संस्था बहुत बढ़ चढ़ कर महिला सशक्तिकरण और काम करेगी। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन भी है महिला सशक्तिकरण, उसी को बढ़ाने का काम ये एक मूल संस्था है। मैंने बरेली उत्तर प्रदेश की तरफ से 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एनसीसी की कैडेट होने के नाते मार्च करा था, जो काफ़ी कैडेट्स अपना सपना देखते हैं और मेरे को एनसीसी एड यूपी गर्ल्स बटालियन की तरफ से मौका मिला, तो इसी वजह से मेरा पास सम्मान था। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्व वाला मूवमेंट है मेरे लिए। काफ़ी अच्छा लगता है कि RDC की वजह से इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, एक इमेज बन चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। मेरा नाम वाणी शुक्ला है, मैं बरेली कॉलेज से PhD कर रही हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग से। मेरे द्वारा किए गए रंगोली कार्य और कला के क्षेत्र में जो मैंने पुरस्कार जीते हैं,
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे मुझे पुरस्कृत किया गया है। तो आज कैसा लग रहा है, सम्मानित किया गया है? एक उम्मीद और अमृत विचार की तरफ से इतना अच्छा, स्पेशली लड़कियों के लिए जो प्रोग्राम किया गया है, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ही बरेली के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो उनको देख के मुझे और प्रेरणा मिल रही है कि आगे मुझे और अच्छा काम करना है अपने क्षेत्र में। मेरा नाम खुशबू है। आज किन कारों को लेकर सम्मानित किया गया? मैं सपट्टा का प्लेयर हूँ खुशबू, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और मुझे इनवाइट किया है नारी शक्ति के लिए तेजस्वी। तो आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मुझे अपने ऊपर और अपने फैमिली ऊपर गर्व है। मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे हर जगह बुलाया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मेरी अभी तक मैं 2006 से स्कूल गेम से ही मैं ये गेम खेलती हूँ और 2008 में मैंने फर्स्ट सीनियर नेशनल खेला था जूनियर नेशनल, उसमें मेरा गोल था। और मैं 2015 से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा 2 एशियन गेम्स और कई वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले हैं और अभी कंट्री में खेलते हुए आ रहा हूँ। मेरा नाम अरुणिमा शर्मा है। जिन कारों को लेकर सम्मानित किया गया आज आपको? जी, मैं सारेगामा कामले 2017 में टॉप 30 तक गई थी और अभी 2024 में मैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 में गई थी, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे आज सम्मानित किया गया। आज सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? आज मुझे यहाँ पे तेजस्विनी सम्मान दिया गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी सारी जो टैलेंटेड वुमेन और गर्ल्स हैं उनके बीच में मैं बैठी हूँ और उनमें से एक मैं भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है।